अभी सेटल नहीं हुआ, सेटल कब होगा, अभी स्टैंड नहीं हुआ, तो क्या एक पांव पे खड़े हैं? अभी चलते फिरते हैं, सब कुछ है, खाते पीते हैं, लेकिन अभी सेटल नहीं हुए। और सेटल होने के चक्कर में एक बात आपको मैं बता दूं, कभी सेटल नहीं होता आदमी, कभी जो दिमाग में चल रही ना वो चीजें कभी नहीं आती। इसीलिए निकाह की अगर उम्र हो गई है तो निकाह कर लें। अभी मैं आपको बताऊं, एक नौजवान का मुझे मैसेज भी आया, वो बेचारा शादी का ख्वाहिशमंद है और नौकरी अभी भी उसको लगी है, और वो हमसे तो कह रहा है, हमने कहा घर में बता दो, कहा अब्बा मारेंगे। क्यों? कहा उम्र अभी 21-22 साल की है, गुनाह में पड़ने का अंदेशा मुझे बहुत ज्यादा है। मैंने कहा बेटा इस्लाम का ये फरीजा है, अगर अंदेशा है गुनाह में पड़ने का तो निकाह फर्ज हो जाता है, फर्ज है, सुन्नत नहीं, फर्ज हो जाता है। मैंने उससे कहा कि जाओ घर में कह दो। तो 2-3 दिन कंटिन्यू समझाने के बाद गया और घर में जाकर बोला कि मुझे निकाह की जरूरत है। जैसा बेचारे का अंदेशा था बाप ने वैसा ही किया उसके साथ। फिर उसने कहा कि मैं हजरत नहीं कह रहा था कि मेरे बाप नाराज हो जाएंगे, अब तो मुझसे कहा है कि तुझे घर में खाना पानी भी नहीं देंगे, बहुत नाराज है। कहा शादी पर नाराज? कहा बाप की मर्जी से शादी करना है, बाप की मर्जी से शादी करना है, इसके अंदर क्या चल रहा है बाप को क्या पता है? मेरे अजीजों, जो अगर बाप है तो उनको मैं बताता हूं, किसी को जोर जबरदस्ती इस तरह रोक कर मत रखो, ना बेटियों को ना बेटों को। उनकी अगर उम्र हो गई है तो उनको अपनी जिंदगी निभाने दे दो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी करके क्या करेगा, इतनी जल्दी गुनाह के अड्डे कायम करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। शादी करके एक अच्छा मुआशरा तश्कील देना चाहता है तो उसे आजाद रखो। बाज मकामात पर हो सकता है कुछ माँ बाप उनके लिए सख्त हो जाते हों, हरगिज ना करें। मेरे आका का फरमान सुने, 3 चीजों में ताखीर करना गुनाह है। जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा उठाने में ताखीर करना गुनाह है, जब नमाज का वक्त हो जाए तो ताखीर करना गुनाह है, और फिर फरमाते हैं जब लड़की बालिग हो जाए तो उसके निकाह में ताखीर करना गुनाह है। यहां तो उम्रें निकाल देते हैं लोग, और बहुत सारे उसके लिए पता नहीं क्या क्या मामला आते हैं। बहरहाल इसको आसान बनाए। अब यहां पर एक लतीफे के तौर पर एक बात मैं बता दूं, आपको भी समझा दूं, कल को कोई बैठ करके आपको पट्टी पढ़ाने की कोशिश करे तो ये बात याद होनी चाहिए। आयत है फन की हो माताब अलकुम मिनन निसा इमतना वसुला व रुबा, तुम में से जो औरतें पसंद आ जाएं निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4, ये लफ्ज है। दो मसना का मतलब होता है 2-2, सुलासा का मतलब होता है 3-3, रुबा का मतलब होता है 4-4। वैसे भी मैं आपको बताऊं पूरी उम्मत जानती है हमारी शरीयत में कितने निकाह जायज हैं, 4 हैं। करना नहीं करना ये अलग मसला है, जायज कितने हैं, 4 हैं। लेकिन मैं आपको एक लतीफा बताऊं, एक जमात ऐसी है जिसने 18 निकाह जायज कर दिए। हां 18 निकाह। शिया हजरात में एक तबका है, शिया हजरात में एक तबका है, उनके 18 तक जायज है। कैसे मैं बताता हूं, 2-2, 4-3-3, 6-4, 4-4, 8, 8 और 10, हाँ उन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया है। ये तो अच्छा है मेरे अजीजों, यहां 4-4 तक का लफ्ज आया है, वरना ये पता नहीं कैलकुलेशन कहां तक ले जाते हैं। ये मुहावरे का लफ्ज है, मुहावरे का लफ्ज है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मुनाफिकी मर जाएं, उनके ऊपर तुम 70 बार भी इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह नहीं कबूल करेगा। 70 बार मतलब एक तादाद बताने के लिए कहा गया, ऐसा नहीं कि 70 बार करेगा उससे ज्यादा करेगा तो माफ हो जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुहावरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको अगर आपसे ये कहा जाए, पानी पी रहे थे आप, पूरा गिलास उठा करके पीने लगे, मैंने क्या कहा, 3 घूंट पियो, एक एक बार करके पियो। क्या कहा? एक एक बार। एक एक का मतलब क्या हुआ, 2-2 हो गए। मैंने एक लफ्ज जो है ना 2 बार इस्तेमाल किया, एक एक बार कहो, एक एक बार इस्तेमाल करो, इसका मतलब वो नहीं होता कि 2-2 हो गए। तो ये अगर कोई कल को पट्टी पड़ा है हमारे नौजवानों को और 18 दिमाग में डालने लगे तो समझ लेना कि ये कहां से आ रही है बात। इसीलिए मेरे अजीजों, हां बहरहाल अल्लाह ताला ने 4 तक हमारे लिए इजाजत रखी है। इस पर भी आज हमारे मुल्क में कई पाखंडियों को दर्द है, फिर 18 पर क्या वावेला मचेगा।
चार पर ही इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, 18 का अगर शोशा छोड़ दिया जाए, पता नहीं। आपको ये बात भी बता दूं, चार पे तकलीफ क्यों है? चार मुसलमान करता नहीं है, अलग बात है, बहुत मुश्किल से किसी की दो हो नहीं, दो हैं और चार तक जाना अब के जमाने में बहुत मुश्किल है, लेकिन इस्लाम ने एक दरवाजा कुशादा रखा है। आपको इसकी हिकमतें भी मालूम होनी चाहिए। औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है, आप कहीं पर भी जा करके मालूमात हासिल कर लें, मर्दुम शुमारी में भी आपको मिल जाएगा, कई इलाके ऐसे हैं जहां औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। और पहले का दौर ऐसा था कि जंगों में सबसे ज्यादा कौन शरीक होते? नौजवान लोग। और जब वो शहीद हो जाते तो उनकी बेवाएं क्या करती? क्या वो जिंदगी भर ऐसी बैठी रहती? तो जो बाहयात हैं उनको हुक्म हुआ कि तुम्हारी एक बीवी है तो कोई और एक बेवा और एक को रख लो, ताकि वो फाहिशा होने से, वहशा होने से तो बेहतर है कि किसी की बीवी बनकर के जिंदगी गुजारे। ये इस्लामी हिकमत है। किसी औरत को इसी तरह आजाद छोड़ देना, इससे बेहतर है कि किसी की बीवी बनकर के वो घर संभाले। ये